यूपी में चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया है। हम लखनऊ की पूर्वी सीट पर मौजूद हैं, जहां बात करेंगे यहां की जनता से कि वो इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजल है और आज वोटिंग के लिए आए हैं हम लोग, और हम चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। और क्योंकि बात यह है कि पिछली जो 2013 से 17 समाजवादी सरकार थी, उसने विकास का कार्य किया था, जो बच्चे थे 10वीं और 12वीं को उनको लैपटॉप बांटा, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया, हाईवेज बनाया और बहुत विकास कार्य किया। लेकिन इधर जो योगी जी की सरकार बनी है, उसमें ना ही नौकरी मिली, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लोग परेशान रहे, कोविड पीरियड में लोग मरे और गंगा नदी में कितनी लाशें बही। तो ये सारी चीज़ों को देख के हम लोग यहाँ पर वोट डालने आए हैं। और यूथ ब्रिगेड जितना भी है, इस बार चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि अखिलेश की सरकार आए और समाजवादी पार्टी विजयी हो। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैम, आप वोट डालने जा रही हैं तो कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे आपको वोट डालने से पहले? भाई, जो देश का कल्याण करे, अच्छा करे, उन्हीं के लिए तो डालेंगे वोट। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा सवाल है, तो कैसे देखते हैं आप इसको, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था? महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, जैसे थोड़ी गुंडागर्दी करते रहे हैं, हम लोग का सुनवाई ना हो, महिलाओं को कोई वो ही नहीं होता है, कहीं भी जाते पिछड़ा ही दिया दिए, लेकिन कहते तो हैं कि महिला सबसे आगे हैं, लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन सब पीछे हैं। क्या लगता है यूपी में मैम बदलाव जरूरी है? जरूरी है बदलाव। मेन चीज़ है तो बेरोज़गारी, और ख़ास करके हम जैसे लोगों के लिए, इनको अगर रोज़गार होगा तो तभी चीज़ें आगे हो सकती हैं। महिलाओं के मेन मुद्दा तो बेरोज़गारी का ही है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था यूपी में एक बड़ा सवाल है, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप कैसे देखती हैं इस सरकार की? शहर में तो ठीक है, बाकी तो हम लोग की, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम लोग सेफ हैं। रही हैं तो कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे? विकास के, बदलाव के। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल है, तो यूपी में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगी आप? और होनी चाहिए इससे बेहतर, इससे अच्छी। क्या लगता है यूपी में बदलाव जरूरी है? हाँ। दादा वोट डालने जा रहे हैं तो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दे जो हैं तो सारे सामने हैं, और योगी जी ने जितना भी काम किया है सब अच्छे अच्छे काम किया है, सब अच्छे तरीके से, और योगी सरकार आनी चाहिए। तो क्या लगता है यूपी में बदलाव जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, योगी सरकार ही होनी चाहिए लाइफ टाइम के लिए। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार अखिलेश यादव की बने और उसके तो हम लोगों को कुछ रोज़गार मिले। सर, आप वोट डालने आए हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? बीजेपी को दोबारा लाना है ना, इसीलिए यही मुद्दा है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है बाबू। तो क्या लगता है यूपी में बदलाव जरूरी है या नहीं? यूपी में जो सरकार चल रही है वो सही है भाई, मेरे हिसाब से तो जो भी सरकार आए बस वो रोजगार पे काम करे और प्रगति पे काम करे, बस और कुछ नहीं था। क्या नाम है भाई? मेरा नाम आफ्ताब है। डालने आए, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मेरा सबसे अगर अहम मुद्दा देखा जाए, हमारा, आपका, हम सब का और इस देश का मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का मुद्दा है। आज जो समय चल रहा है, कोरोना काल हो गया, मुद्दा मेरा सबसे अगर मैं कहूँगा तो शिक्षा, और शिक्षा जो बंद हुई है, आज जो बच्चा 2 साल से स्कूल नहीं गया है वो आगे चल के क्या होगा? यूपी में बदलाव होना ज़रूरी है, सबका साथ सबका विकास का नारा जो है अधूरा रह गया है, उसी को देखते हुए हम लोग मतदान करेंगे। दादा, आप वोट डालने आए हैं तो कौन से मुद्दे को लेकर वोट डाल? विकास के मुद्दे पर, सबसे ज़्यादा विकास वही मुद्दा पसंद है हमें, सबका साथ सबका विकास। तो क्या लगता है यूपी में बदलाव जरूरी है? बदलाव कोई ज़रूरी नहीं है, भाजपा की सरकार आनी चाहिए अब की बार, योगी सरकार। सुरक्षा व्यवस्था लगता है झमाझम है, झमाझम, इससे अच्छा सुरक्षा कोई दे ही नहीं सकता है, इससे अच्छी सुरक्षा कोई ना दे पाए आज तक, ना कोई दे पाएगा। या वोट डाल के आए हैं? क्या नाम है? अभी नहीं, अभी तो हम इलेक्शन में। किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? विकास के, विकास जिसका रहेगा उसका। क्या लगता है यूपी में बदलाव जरूरी है? हाँ, बदलाव थोड़ा चाहिए सरकार है। हाँ, जिसके सरकार है अच्छा काम करें ईमानदारी से बस। दादा, यूपी में बदलाव जरूरी है? बदलाव ये जरूरी है, अभी तो सरकार नेता बनाते थे, अब सरकार कार्यकर्ताओं को बनानी चाहिए। कार्यकर्ता जब सजग होंगे तो हर पार्टी अच्छी होगी, तो कार्यकर्ता अगर ढीले होंगे तो नेता भ्रष्ट हो जाएंगे, और कार्यकर्ता को कौन बनाएगा? जनता।
तो हमें अब जनता अगर एकजुट हो जाए तो बदलाव लाती है। जनता अगर होती है, अगर सरकार के काम अच्छे हैं तो सरकार लंबे समय तक टिकती है। दादा वोट डालने आए, कौन से मुद्दे रहेंगे वोट डालने से पहले? मुद्दे भैया रहेंगे 2012 के बाद जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं बहुत ही अच्छी चल रही हैं, इसमें थोड़ी सी कमी है सरकार में, जो गाय योगी जी ने छुड़वा रखी हैं ये किसानों को बहुत परेशान कर रहे हैं। ये मुद्दा अगर सही हो जाए तो इससे अच्छी कोई दूसरी व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। बहुत अच्छी सरकार चल रही है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं कुछ। सर वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने हैं? बिल्कुल जी, हमारा जो भी पार्टी हमारा डेवलपमेंट करेगी और एम्प्लॉयमेंट देगी उन्हीं मुद्दों पे हम बेसिकली वोट डालने आए हैं। क्या लगता है यूपी में बदलाव जरूरी है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का थोड़ी दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट का भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ही जरूरी है और लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे नंबर वन प्रायोरिटी पर है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर आप वोट डालने आए हैं तो किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? हमारा जो मोटो है, जो पार्टी एजुकेशन को लेकर के और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के तत्पर रहेगी, मैं उसको वोट दूंगा। आए हैं जी, कौन से मुद्दों को लेकर आप वोट डाले हैं, क्या मुद्दे हैं? जो रोज़गार दे, जो देश के लिए काम करे, उसके लिए हम वोट देने का काम करेंगे। यूपी में कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल है, तो उसको आप कैसे देखेंगे? कानून व्यवस्था तो अभी ठीक है, तो कानून व्यवस्था भी मुद्दा है, लेकिन उससे भी अधिक यूथ के लिए मुद्दा है रोज़गार। तो क्या लगता है यूपी में बदलाव ज़रूरी है? बिल्कुल बदलाव ज़रूरी है। मैम यूपी में कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल है। यूपी में कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा असलियत में ये सवाल है। कानून व्यवस्था यूपी की सही होना चाहिए, गुंडा राज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गुंडा राज जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। जो लड़कियों के साथ में तमाम अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ में जो गलत हरकतें हो रही हैं, दिन दहाड़े लड़कियों को नोचा जा रहा है, इसको भी मद्देनज़र सरकार को रखना है। तो क्या लगता है यूपी में बदलाव ज़रूरी है? कंपलसरी है, यूपी में बदलाव कंपलसरी है, किसी भी कीमत को लेकर के, किसी भी कीमत पे यूपी में बदलाव ज़रूरी है। अगर बदलाव नहीं आएगा तो समाज कभी सुधरेगा नहीं। सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर जोर सरकार को देना है। 3 साल हो गए हैं एजुकेशन के ऊपर कोई जोर ही नहीं। 3 साल से कोरोना कोरोना करके सारा एजुकेशन को सरकार ख़राब किए, बर्बाद किए हुए। ये कोई तरीका थोड़ी है कि बच्चे जो हैं उससे सब महरूम रह रहे हैं। पढ़ने डर के मारे स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे, नहीं जा रहे हैं, गार्जियन नहीं भेज रहे हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। और स्कूल वाले जो हैं, प्राइवेट स्कूल वाले बड़े बड़े, ये बड़ी मछलियों की तरह छोटी मछलियों को भी निगले जा रहे हैं और फीस जो है वो ले रहे हैं डबल डबल, फीस माफ़ नहीं कर रहे। सबसे पहले इन पर कदगन लगाया जाए स्कूलों पे। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के पूर्वी सीट से जनता, जिन्होंने अपनी जिसने अपनी राय व्यक्त की। अब 10 मार्च को क्या परिणाम रहेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं विनाश, इंडिया पोस्ट न्यूज़ लखनऊ।